press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक प्रकाश और आप देख रहे हैं क्रिकेट फिल्टर। आज मैं बात करूंगा इंडिया की ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हार के बारे में। इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। जिस ऑस्ट्रेलियन टीम को हम सीरीज से पहले कमजोर समझ रहे थे, उसी टीम ने इंडिया को लगातार मैच हराकर सीरीज जीत ली है। इंडियन टीम का मिडिल ऑर्डर इस सीरीज में भी फ्लॉप रहा। यह टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है। अगर ऐसा रहा तो इंडिया का राह वर्ल्ड कप में बहुत मुश्किल होने वाला है। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए यह सीरीज बहुत ही अहम था। सीरीज खत्म हो गया पर मिडिल ऑर्डर में चार नंबर की गुत्थी अभी भी नहीं सुलझी है। वर्ल्ड कप से पहले यह प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ तो समस्या हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में ओपनिंग प्लेयर भी ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई है। शिखर धवन सिर्फ एक ही मैच में चले हैं। अगर इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जीतना है तो रोहित और शिखर धवन को फॉर्म में आना ही होगा, क्योंकि इंडियन टीम की पूरी कहानी विराट कोहली, रोहित शर्मा और शिखर धवन के इर्द गिर्द घूमती है। इसलिए इंडियन टीम के टॉप थ्री बल्लेबाज को वर्ल्ड कप में अच्छा खेलना ही होगा। जब सीरीज शुरू हुआ तब लगा भारतीय टीम अव्वल स्थान पर है, लेकिन अभी सवाल खड़ा हो गया है और भारत सीरीज भी ऐसी टीम से हारा जिसकी हालत एक साल से खराब थी। अभी सभी के मन में सवाल खड़ा हो गया है, क्या टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है? सवाल उठना जायज भी है, क्योंकि अगर ऐसे खेलोगे तो कैसे जीतोगे? वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी को फॉर्म में आना ही होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप आसान नहीं होने वाला। अगर इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जीतना है तो विराट कोहली को सभी खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस देना होगा। अगर आप देखें तो सभी टीमों ने अच्छी तैयारी कर रखी है। ऋषभ पंत के खराब फॉर्म ने कोहली की चिंता और बढ़ा दी है। अब यह देखना होगा कि धोनी का बैकअप विकेट कीपर कौन होता है, पंत होते हैं या दिनेश कार्तिक। अगर इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जीतना है तो उसे अपनी बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, खास करके स्पिन बॉलिंग को। स्पिन बॉलिंग मतलब चहल और कुलदीप यादव को अच्छा बॉलिंग करना ही होगा। विराट कोहली को वर्ल्ड कप से पहले अपना बेस्ट 11 चुनना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हार गई। विराट कोहली को वर्ल्ड कप से पहले बेस्ट 11 चुनना ही होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में राह आसान नहीं होने वाला। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आगे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।